हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आप सबको पता है कि अपने इंडिया के अंदर चार ही नेटवर्क यहाँ पर वर्क करते हैं जो कि स्टेबल है। सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ पे जियो, दूसरे नंबर पे आता है एयरटेल, तीसरे नंबर पे वीआई और चौथे नंबर पे हमारा सरकारी बीएसएनएल नेटवर्क। दोस्तों, अब जो ये चार नेटवर्क हैं, आप सबके पास इनमें से एक सिम या फिर किसी के पास दो सिम या फिर हो सकता है कि पूरी फैमिली में एक ही नेटवर्क के जो है सारे सिम्स वर्क करते होंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि इन चारों नेटवर्क में से सबसे सस्ता नेटवर्क कौन सा है, यानी कि सबसे सस्ती कॉलिंग किस नेटवर्क की है। अब सरकारी बीएसएनएल की सबसे सस्ती है या फिर जियो जो कि सबसे टॉप पर चल रहा है इस टाइम एंड जिसने सबसे ज़्यादा इंटरनेट फ्री में जो है लोगों को प्रोवाइड किया था, तो क्या जियो सबसे सस्ता है? तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन सा नेटवर्क सबसे सस्ता पड़ता है आप लोगों को इस 2024 के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप एंड तक देखना। ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्प लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना। अब यहाँ पे सबसे पहले जियो की बात करते हैं क्योंकि जियो जो है सबसे टॉप पर है इस टाइम, ठीक है। चाहे वो फाइबर कनेक्शंस को लेके हो, इंटरनेट को लेके हो, प्रीपेड कनेक्शंस को लेके हो या फिर पोस्टपेड कनेक्शन की बात कर लो या फिर दोस्तों कनेक्टिविटी की बात कर लो, टेक्नोलॉजी की बात कर लो, जियो सबसे टॉप पर है। अब जियो का सबसे सस्ता प्रीपेड के अंदर क्या है प्लान जो आप एक महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है 209 रुपीज़ का। ये प्लान दोस्तों ऑलरेडी मैं अपनी फैमिली में रिचार्ज कराता हूँ 209 रुपये का। अब देखो, देखने में सोचने में तो लगता होगा कि 209 रुपये एक मंथ के कम नहीं है भाई, ठीक है। मतलब कि ये नहीं कह सकते कि कम है, काफ़ी होते हैं 209 रुपये। बट अब यहाँ पर अगर कैलकुलेशन निकालते हो पर डे की तो वो आपको क्या पड़ती है। अब देखो, जो 209 रुपये का रिचार्ज है जियो का, इसके अंदर आपको जो अनलिमिटेड कॉलिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको 1 GB पर डे डाटा भी मिलेगा और इसकी वैलिडिटी पूरे 28 दिन की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट इससे सस्ता कोई है या नहीं है वो आपको आगे बताने वाले, बट जियो में सबसे सस्ता यही प्लान है दोस्तों, ठीक है। अब इसकी अगर पर कॉस्ट के हिसाब की बात करें तो 209 × 28 अगर आप करते हो तो इसकी जो कॉस्ट निकल के आती है कुछ लगभग 7 रुपये 40 पैसे के आसपास निकल के आती है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है हमारा एयरटेल। एयरटेल आपको जो है कौन सा कनेक्शन प्रीपेड में सबसे सस्ता प्रोवाइड करता है? अब दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे प्लान देखे हैं जिसके अंदर आपको डाटा भी मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है और वैलिडिटी पूरे महीने की मिल जाती है। तो एयरटेल के अंदर 181 का इनका एक रिचार्ज है जो कि जियो के मुकाबले सस्ता है दोस्तों, ठीक है। तो 181 में आपको 1 GB डाटा मिलेगा पर डे दोस्तों, एंड साथ में दोस्तों आपको जो वैलिडिटी है 2 डेज एक्स्ट्रा मिलेगी एज़ कम्पेयर जियो। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको पूरे 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, पर डे 1 GB डाटा मिल जाएगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से अब सेकंड नंबर पे मैंने एयरटेल को रखा है, बट कॉस्ट के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से आपको एयरटेल बेस्ट लगेगा। तो एयरटेल का जो प्लान है इससे काफ़ी चीप है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस्ट के हिसाब की बात करो दोस्तों, तो एयरटेल आपको अगर आप जो है 181 को 181 को 30 से डिवाइड करते हो तो लगभग 6 रुपये के आसपास आपकी जो कॉस्ट आती है, लगभग 6 रुपये पर डे। इसके बाद दोस्तों वीआई आता है, ठीक है। अब वीआई के देखो जो कस्टमर है काफ़ी ज़्यादा कम है, 4G नेटवर्क पे काम हो चुका है इनका, बट 5G पे काम इनका चल रहा है दोस्तों, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाइज ये भी थोड़ा अपग्रेड कर रहा है, बट इनके जो प्लान है ना, जो सबसे सस्ता प्लान है इनका, वो है 269 रुपीज़ का। अब इस प्लान के अंदर दोस्तों आपको जो है पूरे 28 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है, 1 GB आपको ये भी डाटा प्रोवाइड कर रहा है, बट 269 भाई मतलब कि कौन से जमाने की बात कर रहा है, ठीक है। वीआई की जो कॉस्ट है सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई है भाई, ठीक है। और जो अगर इसकी मैं पर डे की कॉल रेट की हिसाब की बात करूँ तो वो अप्रोक्स जाती है 10 रुपये के आसपास, 9 रुपया समथिंग आपको पर डे कॉस्ट पड़ जाएगी, कर लेना 269 × 28 दोस्तों, ठीक है। तो 9 रुपये से ऊपर जो है पर डे की आपको कॉस्ट पड़ने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर फोर्थ नंबर पे हमारा है बीएसएनएल जो कि हमारा भारत का ही नेटवर्क है दोस्तों, ठीक है, और सरकारी नेटवर्क इसको बोला जाता है। क्या ये सबसे सस्ता पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है? तो यहाँ पर दोस्तों बीएसएनएल अगर आपके एरिया में 4G सर्विस ठीक ठाक दे रहा है या फिर दोस्तों 3G सर्विस की आपको जो है कनेक्टिविटी नेटवर्क अच्छा मिल जाता है, तो ये जो नेटवर्क है, ये जो सिम है ना, आपके लिए सबसे सस्ती साबित हो सकती है। कैसे दोस्तों? देखो, मैं यहाँ पे सिटी एरिया में रहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे बीएसएनएल भी प्रॉपर वर्क करता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्टिविटी में इशू है, कॉल काफ़ी देर में कनेक्ट होती है, ठीक है, इंटरनेट में भी लैग आता है। मैं ये नहीं कहता कि आता नहीं, क्योंकि सर्विस बीएसएनएल की थोड़ी सी ऐसी है, बट दोस्तों अगर आपके एरिया में सर्विस अच्छी मिल जाती है आप लोगों को तो सबसे सस्ता आपको बीएसएनएल ही पड़ने वाला है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बीएसएनएल के सबसे सस्ते प्लान के बारे में जिसकी कॉस्ट है 108 रुपीज़ दोस्तों, और ये भी दोस्तों आप लोगों को जो है 1 GB पर डे डाटा प्रोवाइड करता है और प्लान की वैलिडिटी है इसकी भी 28 दिन की दोस्तों, 28 दिन की वैलिडिटी है, 1 GB पर डे डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाती है
अगर इसकी आप कैलकुलेशन निकालते हो ना 28 दिन की पर डे के हिसाब से, तो 3 रुपये के आसपास आपको जो पर डे की कॉस्ट पड़ती है। तो है ना दोस्तों सबसे सस्ता BSNL, बट यहाँ पर सबसे टॉप पर चल रहा है इस टाइम जियो, और जियो का जो पोजिशन है देखा जाए तो सबसे टॉप पर होने की वजह से सबसे ज़्यादा खर्चीला भी वही हो गया, बिकॉज VI के इतने कस्टमर नहीं है दोस्तों, बट दोस्तों जियो के कस्टमर ज़्यादा हैं, तो जियो का जो कॉस्ट है वो एयरटेल से भी ज़्यादा है। तो चीपेस्ट की बात करें फर्स्ट नंबर पे BSNL आ गया, दूसरे नंबर पे आपका एयरटेल आ गया दोस्तों, और तीसरे नंबर पे आपका जो है जियो चलता है, और लास्ट में आपका चला जाता है VI दोस्तों। तो ये चार प्लान है दोस्तों, चारों ही नेटवर्क के जो कि सबसे सस्ते प्लान है दोस्तों, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सिम की तरफ जाते हैं, कौन से नेटवर्क की तरफ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आपका खर्चा कितना है, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब करते हैं, जो भी आप बिजनेसमैन हैं, तो अपने हिसाब से आप प्लान ले सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप पोस्टपेड की तरफ जाना पसंद करोगे, अगर दोस्तों आप एक स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आप जो है इनके प्रीपेड कनेक्शन की तरफ ही प्रेफरेंस देंगे। प्रीपेड कनेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि अनलिमिटेड डाटा लेना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, जैसे कि 5G नेटवर्क में आपको अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है, तो आपको जियो के अंदर दोस्तों कम से कम 239 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा, और एयरटेल के अंदर भी लगभग 239 का ही रिचार्ज है, एंड VI का है 299 का, BSNL के अंदर भी आपको 299 के आसपास डाटा मिल जाता है, बट वो 5G नेटवर्क नहीं दे पाता है, ये सब आप लोग जानते हो दोस्तों। तो गाइस ये थे कुछ प्लान जो कि सबसे सस्ते प्लान थे इन चारों नेटवर्क्स के। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी प्लान है या फिर आप कोई प्लान रिचार्ज कराना चाहते हो तो आप रिचार्ज करा सकते हैं अपने सर्कल के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी, अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।